सो हेलो माय डियर फैमिली, दिस इज अवीति एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक है, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज डेट है 1 नवंबर और आज हरियाणा दिवस है और मध्य प्रदेश दिवस भी है। तो आप सभी को हरियाणा दिवस और मध्य प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं। फिलहाल हम जा रहे हैं हरियाणा दिवस अटेंड करने के लिए मेरी ऑडिटोरियम। सो लेट्स सी वहाँ पर क्या होता है, क्या प्रोग्राम रहता है। सो गाइस, आपको एक बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि हरियाणा दिवस फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हो रहा है IIT गुवाहाटी में, तो आई एम प्रेटी एक्साइटेड। सो गाइस, हियर वी रीच्ड भूपेन हजारिका मिनी ऑडिटोरियम। अभी तक हम ऊपर तो काफ़ी बार गए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू इनसाइड मिनी ऑडी। लेट्स सी क्या होने वाला है अंदर। मैं मोहित यादव आज आपका होस्ट रहूंगा यहाँ पे एंकर, और मैं दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित करूंगा। ताकि भाई अपना एक हरियाणा दिवस होना चाहिए, सब तो पहला सारा ने हाथ जोड़कर राम राम। तो और हार्दिक शुभकामनाएं पहले दे चुके हैं सब, तो थोड़ा हाँ ज्यादा नहीं बताना था, वहां 2-3 पॉइंट रखूंगा कि स्टार्टिंग में जो मैं एमटेक फर्स्ट ईयर में 2020 में ज्वाइनिंग हुई थी, तो उस टाइम पे 2000 किलोमीटर दूर आ रहे थे हम पढ़ने के लिए, थोड़ा तो आगे कार्यक्रम को शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम भाई। आई थिंक ये पगड़ी मेरे ख्याल पहली बार पहनी है मैंने, और इट रियली गिव्स मी अ फील ऑफ लाइक बीइंग हरियाणवी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सो थैंक यू। और आई ऑल्सो खासकर मंगल, रवि, सुखजीत, वो 2-3 दिन पहले भी मेरे पास आए थे, तो तब भी बात हो रही थी। तो इट्स द फर्स्ट सच इवेंट बाय यू नो अवर हरियाणवीज, आई वुड से। तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट दैम फॉर कंसीविंग दिस आइडिया, क्योंकि हमारा, बल्कि मैं आई एम सरप्राइज दैट टुडे टू सी कि आप लोग एटलीस्ट 70-80 लोग तो होंगे, एंड सुखजीत वाज टेलिंग कि कम से कम 100 से ऊपर हैं लोग आपके ग्रुप में। तो इससे यूँ देख के लगता है कि चलो कम से कम, केवल हम सुनते हैं ना कि हरियाणा के अंदर लोग बस खेलते रहो हैं या दौड़ते रहो हैं, खेलते रहो हैं, जिम जाओगे, तो इन दैट सेंस कम से कम यू नो यू कैन सी दैट यू नो वी आर ऑल्सो गुड इन अवर एजुकेशन। रिपोर्टर खुशबू आवे महकी महकी, पहर पला तो चले चल तेरी लागे बहकी बहकी, तू छोरी फलावर रिपोर्टर खुशबू आवे महकी महकी, जब पहर पला तो चले चल तेरी लागे बहकी बहकी, पूरा शहर सकतू हो जा रे, शहर सकतू हो जा रे, लेफ्ट राइट हाल है, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है।
बहनें भी डिफेंस में जाती हैं, बहुत ही गर्व की बात होती है। लेकिन ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि भाई हरियाणा के लोग ना खेल कूद में होते, पढ़ाई लिखाई में नहीं होते, बट आई थिंक अभी ये बदल रहा है धीरे धीरे। हमारे गांवों से भी, शहरों से भी, सब तरह से लोग IITs में भी जा रहे हैं और आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे हैं। अगर मैंने तो मतलब एक साल कनाडा में मैंने पोस्ट डॉक किया तो वहां पे भी मुझे हरियाणा से लोग मिले, दिल्ली से लोग मिले। तो ऐसा नहीं है कि हम देश में ही, हम विदेशों में भी जा रहे हैं। गुवाहाटी में अपने हरियाणा के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हरियाणा दिवस पर आपको बुला रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि हमारे हरियाणा के नौजवान, हमारे हरियाणा का भविष्य जो IIT गुवाहाटी में पढ़ रहे हैं और वो हरियाणा दिवस मना रहे हैं, अपने हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं, और भाई मुझे बोला इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। कैसा मजे हरियाणा जीत दूध दही का खाना। सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका भाई सोमवीर का ध्यान बिमुआर डी रेसलर। IIT गुवाहाटी में जितने भी स्टूडेंट्स हरियाणा डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना कपिल कथरवाल और IIT गुवाहाटी के मेरे साथी जो हरियाणा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जय भोले की, राम राम सारा ने। मैं आपकी अपनी शायरा अनु शर्मा और हरियाणा दिवस पे कुछ दो लाइन सुनाऊंगी। पहले तो मैं के कोई बोली सुनकर डर जा और किसे न लग प्यारी है, कोई बोली सुनकर डर जा किसे न लग प्यारी है, अनु तो यूपी पंजाबी किसे तक घाट को ना, पर मेरे भाई हरियाणा की तो बखते न्यारी है। तो IIT गुवाहाटी में जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन हरियाणा दिवस ने सेलिब्रेट करना रहे हैं उन सब ने ढेर सारी शुभकामनाएं। बोले तो भाई सारे ने पलंग है वो खाट को ना खाट छोटी हो आगरे। अच्छा हाँ, तागड़ी तागड़ी वाला तोल सब ने देखा होगा, तागड़ी वाला तोल लगा मगा घोल बहुत फेमस हरियाणा में। कटना बोल दे है ठीक है, और ये बाछे बाछी हैं ये चाय चाय के करने लग रही है, दूध ना क्या करे यार, दूध ना क्या करे, दूध तुम्हें लग रही देसी वाले धार क्या करे, इसने धार काट रही है। फुकनी फुकनी देख फुकनी चिमटा चूल्हा फुकनी फुकनी है फुकनी करण के लग रही है ताई बुलाया कदे किसने नहीं बुलाया किसी ने सबने मिलाया दूध इसमें बहुत जोर पड़ा है भाई वो इसमें बहुत जोर पड़ा है। थैंक यू सर। थोड़ा सा प्यार दिखाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, और वैसे आज MP डे भी है तो MP डे और हरियाणा डे साथ में ही होता है, तो उस तो हम मतलब इतने प्रोफेशनल तो है नहीं सिंगर्स, लेकिन स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा आपका मन बहलाने के लिए ट्राई करेंगे। तो भैया हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों के है फासले तुमसे न जाने क्यों कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जुबा की आके तुझे समझाए तू जाने ना सबसे पहले सारों को राम राम और हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। और ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे मुद्दे पे आऊंगा। क्या हुआ एक बार किसी गांव में इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन में कोई भी उम्मीदवार खड़ा होना नहीं चाहता था। अभी सरपंच के चुनाव आ रहे हैं अपने हरियाणा में, ऐसे ही हुआ एक गांव में कोई उम्मीदवार खड़ा होना नहीं चाहता था, तो सबने मिलकर टेटा राम को उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन टेटा राम बोला भाई मुझे भाषण देना नहीं आता। तो एक व्यक्ति बोला बात में से बात निकालते जाना भाषण तैयार हो जाएगा। तो
पार्टी में फंक्शन का दिन आ गया और टेडर राम ने भाषण देना शुरू किया कि हमारे देश में कई नेता हुए जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू अचकन पहना करते थे और अचकन पर वे फूल लगाया करते थे। फूल भी कई प्रकार के होते हैं जैसे गेंदे का फूल, गुलाब का फूल। गुलाब से गुलकंद बनती है। गुलकंद कब्ज की खास जड़ है। जड़ तो खरबूजे की भी बहुत लंबी होती है लेकिन खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। रंग तो जर्मन के मशहूर है। जर्मन में हिटलर का जन्म हुआ जिसने कई वार किए। वार तो शेर के भी खतरनाक होते हैं लेकिन शेर का एक मन होता है। मन एक मंदिर है। मंदिर तो इलाहाबाद के मशहूर है। इलाहाबाद में तीन नदियों का संगम है। संगम तो राज कपूर की फिल्म है। राज कपूर सेमी कपूर का भाई है। सेमी कपूर ने कश्मीर की कली फिल्म में काम किया है। कश्मीर के सैनिक बड़े वफादार होते हैं। वफादार तो कुत्ता भी होता है लेकिन उसकी पूंछ टेढ़ी होती है इसलिए मेरा नाम टेढ़ा राम। जय हिंद। बढ़िया भाई, बढ़िया है। हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैडम और सर ने बताया कि सुसाइड रेट हरियाणा में कम होते हैं तो उसका एक रीजन में बताना चाहता हूँ क्यों कम होते हैं। क्योंकि हरियाणा की जो माए होती है ना वो बहुत साहसी होती है। तो एक ऐसी एक माँ की कहानी है जो आज मैं रागनी के जरिए बताऊंगा। तो भगत सिंह की तो माँ है, जो माँ थी वो भगत सिंह से मिलने गई। जब उसकी फांसी की सजा मुकर्रर की गई तो उससे पहले भगत सिंह की माँ उससे मिलने गई। तो उसके बाद जब उसकी माँ ने उसको देखा एक छोटे से कमरे में बंद है और मेरा बेटा घबराना जावे कदे चिंता मान जा पूछे, तो उसकी माँ ने भगत सिंह को क्या बोला वो एक रागनी के जरिए मैं आपको बताऊंगा। वैसे म्यूजिक सिस्टम तो कुछ है नहीं, आवाज भी इतनी खास नहीं है, पहली बार स्टेज पे गा रहा हूँ। बस आप लिरिक्स पे थोड़ा फोकस करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, बस वही काफी है। तो मांगे राम की एक रागनी है मैं पेश करना चाहूंगा। गिरे सो सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सो सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। के रे हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बड़ाई तेरी सुना करेंगे, सुना करेंगे। मन शेर की माँ कया करेंगे, शेर की माँ कया करेंगे हिंदुस्तान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, के रसो सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। अरे उल्टा बैठ गया। हेलो अंकित भाई, आ जाओ। अंकित गुरुवान है धर्मजीत पाजी, आ जाओ। तो सारे सारे नाचेंगे, मिल गए ना, टूटे मत बोलो मैडम, ना ना आ जाओ आ जाओ।
गाइस, अभी हम आ गए हैं सियांग हॉस्टल। सो गाइस, इसी के साथ हरियाणा दिवस सेलिब्रेट हो गया एंड मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।